जिस तरह से दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, उसी तरह से मूवी मूवी पर लिखा होता है उसके जरिए नाम कमाने वाले का नाम। सो बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी मूवी बनने वाली थी जिस पर अजय देवगन का नाम हो सकता था कमाने को लेकर, बट उस पे दाने का नाम आ गया बॉबी देओल का। तो कौन सी मूवी जिस पर अजय देवगन बॉबी देओल के बीच में होने वाली थी टकरार, और किस तरह से प्रकाश झा ने बॉबी देओल के खाते में डाल दिया अजय देवगन की किस्मत, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो बात करते हैं हमारे टाइटल सत्संग की और इसके बॉबी देओल के साथ प्रकाश झा के क्रॉस कनेक्शन की। एक्चुअली बात साल 2017 की है जब अजय देवगन के साथ प्रकाश झा एक मूवी बनाने का प्लान कर चुके थे, नाम था सत्संग। मूवी एक धार्मिक सटायर होने वाली थी और अजय देवगन के साथ प्रकाश झा की जुगलबंदी की एक बहुत बड़ी मूवी बनने वाली थी। बिकॉज 2017 से पहले वो राजनीति में काम कर चुके थे और उससे पहले वो गंगा जल अपहरण में भी बहुत ब्लॉकबस्टर हिट मूवी देने की कॉम्बो जोड़ी बन चुके थे। ऐसे में जब प्रकाश झा ने सत्संग और राजनीति 2 दो फिल्में अनाउंस की तो पहले डिसाइड हुआ था सत्संग 2 बनेगी, बिकॉज इसमें अमृता राव और कैटरीना कैफ को साइन किया गया था। उस वक्त जो पूरे बाबाओं के ऊपर एक पूरा करप्शन का खेल चल रहा था उसको लेकर प्रकाश झा ने सोचा सत्संग बनाएंगे। इसका पहला लुक भी रिलीज हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं और कास्टिंग तो एज इट इज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली थी, लेकिन समय को कुछ और मंजूर था और अजय देवगन की किस्मत का सत्संग बाबा के आश्रम में होने वाला था और इसी तरह उनकी सत्संग जो है बॉबी देओल के आश्रम में कन्वर्ट हो गई। एक्चुअली जब सत्संग की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी तब प्रकाश झा गंगा जल 2 को कंप्लीट करने में लगे थे और अजय देवगन के पास जो डेट्स थी वो उनके काम की नहीं थी। ऐसे में जब अजय देवगन के पास टाइम था तब प्रकाश झा के पास टाइम नहीं, तो प्रकाश झा के पास जब टाइम आया तब अजय अपनी फिल्मों में बिजी हो गए, खासतौर पर रोहित शेट्टी के साथ गोलमाल फ्रेंचाइजी सिंगम को लेकर बहुत ज्यादा एंगेज हो गए। तो सत्संग बहुत टाइम तक पोस्टपोन होती रही और उस स्क्रिप्ट पर प्रकाश झा ने काफी टाइम तक काम किया। उसके बाद अचानक से इंडिया में OTT का उदय हो गया और नेटफ्लिक्स ने सेक्रेट गेम्स के बाद पूरी तरह से एंटरटेनमेंट का फेस चेंज कर दिया। अब बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर OTT पर जा रहे थे। ऐसे में प्रकाश झा को आइडिया आया कि जब तक वो अजय का वेट करेंगे उनकी डेट्स का तब तक तो सब्जेक्ट बहुत पुराना हो जाएगा। उसी दिनों भारत के बहुत सारे बाबा आसाराम से लेकर गुरु राम रहीम तक सब के सब अपने काली करतूतों की वजह से मीडिया और पुलिस के निशाने पर आ चुके थे। ऐसे में प्रकाश झा ने सोचा क्यों ना ये सही टाइम है सत्संग के टॉपिक को भुनाने का, बिकॉज सत्संग में देश में अध्यात्म के नाम पर होने वाले काले धंधे की सच्चाई दिखानी थी और बताना था कैसे इस धंधे से देश की जनता को गुमराह किया जाता है। ऐसे में जब हालिया आसाराम बाबा की और बहुत सारे बाबाओं की गिरफ्तारी हुई तो प्रकाश झा ने इस मूवी को वेब सीरीज में कन्वर्ट करने का दिमाग लगाया और उस वक्त बॉबी देओल को आश्रम के तौर पर सत्संग की स्क्रिप्ट सुना दी। जैसे ही बॉबी देओल ने आश्रम के लिए हाँ कर दिया, सत्संग बन गई आश्रम और अजय देवगन के लिए वो स्क्रिप्ट जो बहुत टाइम से वेट कर रही थी हो गई खत्म। तो बॉबी देओल की किस्मत का सितारा बुलंद हो गया आश्रम से और अजय देवगन को एक अच्छी मूवी हाथ से निकल गई। हालांकि जो कहानी जो कॉन्सेप्ट है वो वेब सीरीज के तौर पर भले कन्वर्ट हो चुका है और आश्रम के 4th सीजन का टीजर भी लॉन्च हो चुका है, बट फिर भी इस मूवी को एक मूवी पोटेंशियल के तौर पर अगर बनाया जाए तो अजय कैटरीना की जोड़ी बहुत अलग काम करेगी, बिकॉज बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो वेब सीरीज के तौर पर भी हिट होती हैं और उनका मूवी वर्जन भी चलता है। हॉलीवुड में वेस्टर्न में बहुत बनती हैं, जैसे कि मार्वल्स की बहुत सारी फिल्में हैं जो कि वेब सीरीज के तौर पर भी बनती हैं और फिल्मों के तौर पर भी। ऐसे में प्रकाश झा आज भी चाहें तो अजय के साथ सत्संग बना सकते हैं, बिकॉज सब्जेक्ट बहुत मौजूद है और इस सब्जेक्ट को लेकर अजय देवगन का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो बाबाओं की काली करतूत और आश्रम का काला धंधा अगर सत्संग में सामने आएगा तो ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिक्स है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि आश्रम के बाद अजय देवगन के साथ सत्संग बननी चाहिए या फिर प्रकाश झा अपनी सारी कहानी आश्रम में पहले ही एक्सप्लोर कर चुके हैं।